राजधानी देहरादून में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण एक मकान ध्वस्त हो गया है, जिसमें एक बच्चे समेत दो महिलाओं की मौत हो गई है। वहीं जिला अधिकारी सोनिका और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। दिनेश नाम का एक आदमी, जिसका यहाँ पर एक मकान था, रात को मलबा आने से दब गया। चार पांच लोग को बाहर आ गए, उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन दो महिलाएं और एक 10 दिन का बच्चा, जिसको हम पूरी मेहनत करने के बाद भी जिंदा नहीं बचा सके। यही नहीं, पूरे क्षेत्र में जगह जगह तो मुझे सूचना मिल रही है, अभी किशनपुर में चनाल रोड पर एक रानी यादव का पूरा मकान, 5 लोग वहाँ पर बह गए थे, लोगों ने पकड़ लिया उनको, पूरा मकान टूट गया है और इस भीषण आपदा से बहुत नुकसान हुआ है।